वेलकम फ्रेंड्स, प्रेमलतास किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको न्यू स्टाइल में रबड़ी के लड्डू कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रबड़ी के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 1 कप चीनी, 3/4 कप सूजी, 2 टेबल स्पून घी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 10 से 15 धागे केसर के जिसे हमने गुनगुने दूध में भिगो लिया है, 5 पीस बादाम महीन कटे हुए, 5 पीस पिस्ता महीन कटे हुए। सबसे पहले हम गैस को ऑन करके एक पैन में दूध को उबाल लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। दूध हमारा उबल चुका है। दूध को हमें 50% तक उबालना है, यानी दूध को हमें आधा करना है और बराबर चलाते भी रहना है। दूध हमारा उबल रहा है तब तक हम सूजी को भून लेते हैं। उसके लिए एक पैन में हम 1 टेबल स्पून घी को गर्म करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम सूजी को डालकर बिल्कुल मीडियम आंच पर 10 मिनट तक भूनेंगे। सूजी का हमें कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है और इस तरह से हमें भूनना है बराबर। 10 मिनट हो चुके हैं, सूजी हमारी अच्छे से भून चुकी है। आप देख सकते हैं सूजी का कलर हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है। गैस को हम बंद कर देंगे। हम सूजी को एक बाउल में निकाल लेंगे। दूध हमारा 50% हो चुका है, यानी आधा हो चुका है। अब हम दूध में चीनी, इलायची पाउडर, केसर डालकर 20% तक और उबालेंगे और बराबर चलाते रहेंगे। 20% दूध हमारा और उबल चुका है। अब हम सूजी, पिस्ता, बादाम डालकर अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। सूजी एवं दूध का मिश्रण हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम शेष बचा हुआ घी डाल देंगे। हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे और सूजी को फूलने तक 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, मिश्रण हमारा रेडी हो चुका है। गैस को हम बंद कर देंगे। मिश्रण को हम एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिश्रण हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम हाथों पर चिकनाई लगाकर इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। फ्रेंड्स, सभी लड्डू को हमने बांध कर रेडी कर लिया है। आप चाहे तो हम चांदी के बर्फ से डेकोरेट भी कर सकते हैं इस तरह से, ये ऑप्शनल है। फ्रेंड्स, रबड़ी के लड्डू हमारे रेडी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट एंड टेस्टी बने हैं। केसर के कारण का स्वाद दुगना हो गया है और सबसे बड़ी बात, एकदम ताजे लड्डू बने हैं। इसे फेस्टिवल पर बनाकर एंजॉय कीजिए और इसे बनाकर अपने अनुभव प्रेमलतास किचन में जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी रेसिपी के सफर में साथ चलने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।